हे गाइज, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अमेच्योर ओलंपिया इंडिया के बारे में, जिसका करीब एक हफ्ता बाकी रह गया है। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना। और इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, तो सब्सक्राइब द चैनल। इस कंपटीशन में जो भी एथलीट कंप्लीट करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और अपने पीक वीक पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले तरुण गिल से स्टार्ट करते हैं, जो इस दौरान काफी चर्चा में रहे हैं, चाहे फिर उनकी गेस्ट पोजिंग की बात करें या फिर उनकी लेग्स को लेकर ट्रोलिंग। और तरुण गिल के जो कोच है नूर खान, उनका कहना है कि तरुण गिल इस साल के अमेच्योर ओलंपिया में 100 kg बॉडी वेट के साथ आने वाले हैं। पहले तो वेस्ट देखो और भाई फिर चेस्ट देखो। वॉल्यूम को बीट करना बहुत, ऐसे आपको हर कैटेगरी में लोग मिलेंगे, बट भाई सेट है इस टाइम पे, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। कंप्लीट 6 दिन बाकी हैं लड़के भैया, ठीक है। और उनकी फिजिक पहले से काफी इम्प्रूव दिखाई देगी। आप सभी लोगों ने तरुण गिल की गेस्ट पोजिंग देखी ही होगी, जो काफी लोगों को पसंद नहीं आई थी। उस टाइम पे तरुण गिल अपनी डिप्लीटेड स्टेज पर थे। तो अभी तरुण गिल के कोच नूर खान का कहना है कि इस बार स्टेज पर ये काफी अच्छी फिजिक लेके आएंगे। नैरो वेस्ट और वाइडर शोल्डर के साथ एक फुल पैकेज बॉडी लेकर आने वाले हैं तरुण। और ये भी कहना है कि ये अपनी मसल्स में ज्यादा फुलनेस और ज्यादा वॉल्यूम लेकर आएंगे स्टेज पर। और नूर खान के हिसाब से तरुण गिल की फिजिक अनबीटेबल रहने वाली है इस साल के अमेच्योर ओलंपिया इंडिया में। तो ये सब हमें आने वाले टाइम में जल्द ही देखने को मिल जाएगा कि कितना सच है और कितना नहीं। कंपटीशन में अभी ज्यादा टाइम नहीं रहा है, तो जल्दी ही हमें इस साल का अमेच्योर ओलंपिया इंडिया देखने को मिल जाए। और नूर खान के हिसाब से तरुण गिल बिल्कुल रेडी है इस साल के अमेच्योर ओलंपिया इंडिया के लिए। तो अब आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट एथलीट की तरफ, जो है रोहित खत्री। और रोहित खत्री की अपडेट काफी अच्छी रहने वाली है। इन्होंने डे बाय डे काफी अच्छी प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट दिखाई है अपनी फिजिक में। और हाल ही में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो यानी कि स्टोरी शेयर की है, तो पहले वो देखिए। और इस वीडियो में इनका फेस काफी ज्यादा सैड दिखाई दे रहा है, जिसे हम बॉडी बिल्डिंग लैंग्वेज में डेथ फेस भी कहते हैं, जो प्रिपरेशन के एंड तक हो जाता है। इस फेस में फेस जो है वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, पूरी बॉडी के साथ साथ फेस से भी फैट निकल जाता है, फैट और वाटर सब कुछ निकल जाता है और स्किन काफी पतली और थिन हो जाती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि रोहित खत्री इस टाइम पे काफी अच्छी कंडीशनिंग में है, और इस वीडियो में उनका डेथ फेस भी देख सकते हो, जो बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है। बड़े बड़े जो एथलीट होते हैं, ओलंपिया लेवल के जो एथलीट होते हैं, उनमें हमें ये डेथ फेस देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है कि एथलीट काफी अच्छी कंडीशनिंग में है और काफी अच्छी श्रेडिंग लेके आने वाला। तो रोहित खत्री के लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है। अगर साइज की बात करें तो काफी अच्छा गेन किया हुआ है इन्होंने, पर इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी हम लोगों को। पर इनका कहना है कि ये अपनी कटिंग और कंडीशनिंग जबरदस्त और नेक्स्ट लेवल लेके आने वाले इस साल के अमेच्योर ओलंपिया में। और अभी एक वीक का टाइम बाकी है, तो काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाली हमें रोहित खत्री की फिजिक में, जो डेफिनेटली इम्प्रेसिव रहने वाली है रोहित खत्री के केस। तो अब आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट दावेदार की तरफ, जो कि है अभिषेक यादव। और अभिषेक यादव काफी लोगों के फेवरेट भी है, और इस साल के अमेच्योर ओलंपिया में इनके जीतने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। और काफी लोगों का कहना है कि इस साल का गोल्ड अभिषेक यादव का ही होने वाला है। और रिसेंटली अभिषेक यादव ने एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें वे अपना बाइसेप दिखा रहे हैं, और उस वीडियो में आप उनका बाइसेप फ्लेक्स करते हुए देख सकते हो। आप उनके बाइसेप की कंडीशनिंग देख सकते हो, उनके बाइसेप में फाइबर देख सकते, जो कि एक बहुत बड़ा साइन है उनकी कंडीशनिंग का। वैसे तो सारे एथलीट काफी अच्छी कंडीशनिंग में है, पर जो टॉप की कंडीशनिंग है वो अभिषेक यादव की है। पर जो एथलीट ज्यादा अच्छी कंडीशनिंग, ज्यादा साइज और ज्यादा अच्छी सिमेट्री के साथ आएगा स्टेज पर, उसी के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है इस साल के अमेच्योर ओलंपिया इंडिया। और अभिषेक यादव को किसी भी साइड से देखे, चाहे वो उनकी साइज की बात हो, चाहे फिर उनकी श्रेडिंग की बात हो, या फिर उनकी सिमेट्री की बात हो, वो हर तरफ से बिल्कुल ओके हैं। इनकी बॉडी एक फुल पैकेज फिजिक रहने वाली है इस साल के अमेच्योर ओलंपिया में, तो इनके जीतने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। और इस साल अभिषेक यादव से काफी सारे लोगों की उम्मीदें हैं, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस साल का गोल्ड अभिषेक यादव का ही आएगा। और मुझे भी अभिषेक यादव के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा लगते हैं, तो देखते हैं इन फ्यूचर की गोल्ड किसका होता है। और अभिषेक यादव इस साल के अमेच्योर ओलंपिया इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, चाहे फिर उनको स्टेज का एक्सपीरियंस हो या फिर पोजिंग का एक्सपीरियंस, तो ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है। अगर हम अभिषेक यादव की ट्रेनिंग को देखें, तो वो अपनी ट्रेनिंग में भी
कोचिंग को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं जो हमने बाकी किसी एथलीट को करते हुए नहीं देखा अपनी ट्रेनिंग के दौरान। ऑलराइट गाइस, तो आपको क्या लगता है कि इस साल का एमेचर ओलंपिया इंडिया विनर कौन होने वाला है, कि ये गोल्ड किसको मिलने वाला है, कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। हम मिलेंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम।